दोस्तों वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। तो आज हम आपके लिए लेके आए सोनी सबके शो जिद्दी दिल माने ना की कुछ न्यू अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं, मोनामी के पापा मोनामी से बात करते रहते हैं और उसको ये धमकी दे देते हैं कि तू मेरे साथ चलेगी नहीं तो मैं ये तेरी एकेडमी और ये करण की वर्दी उतरवा दूंगा और मैं सबसे बड़ा वकील हायर कर लूंगा। जिसके लिए जहां आपको देखने मिला कि ये सुन के मोनामी डर जाती है। बाद में मोनामी को करण का फ़ोन आता है और मोनामी से करण पूछता है कि सब ठीक है ना, तो मोनामी बोलती है हाँ ठीक है, पर उसकी बात से समझ जाता है करण की कुछ भी ठीक नहीं है। जहाँ आपको देखने मिला कि मोनामी के लिए बेबी शॉपिंग करती है एक ड्रेस की, और आपको ये भी देखने मिला कि मोनामी से बेबी और करण की भाभी भी बात करती हैं। दूसरी ओर आपको ये भी देखने मिलेगा कि ये सब जब मोनामी के बारे में मिस बत्रा को पता चलता है तो वो कॉल लगाती है करण को कि मोनामी के पापा उसको लेके जा रहे हैं यहाँ से। जहाँ आपको देखने मिला कि करण कॉल नहीं उठाता। आगे आपको ये भी देखने मिला कि जब करण आ जाता है हॉस्पिटल में तो मोनामी अपने पापा को बोलती है रुकिए, और वहाँ करण से बात करती रहती है। जहाँ आपको देखने मिला कि वो करण से झूठ झूठ बोलने लगती है कि मुझे डर लग गया है वो इंसिडेंट से जहाँ मुझे गोली लग गई थी और मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है कि वो ऐसी चोट में वापस से ले पाऊँ मेरे ऊपर, और मुझे अब एकेडमी में नहीं रहना है। जहाँ आपको देखने मिला कि करण उसको वहीं उसी समय डिक्लेयर कर देता है कि तुम सबसे बेस्ट क्रेडिट हो मेरे एकेडमी की, और इतना सब होने के बाद तुम ये बोल रही हो तो मुझे तुम पे विश्वास नहीं हो रहा। जहाँ आपको देखने मिला कि करण को समझ में आता है कि मोनामी किसी वजह से कर रही है, पर मोनामी सच नहीं बताती और बोलती है मैं डर चुकी हूँ और मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो आज के लिए इतना, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।